के लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ शिल्पा वर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। झरने के पास नहाने गए 15 वर्षीय युवक का शव मिलने से गांव में पसरा मातम, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। दो भाइयों अंशु व चंदन की निर्मम हत्या के बाद डीएसपी पहुंचे जमुई, पीड़ित परिवार के घर, घटना के बाबत ली कई अहम जानकारी। इधर घटना को लेकर बनवाल समाज ने किया शोक सभा का आयोजन। पानी कनेक्शन को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट, कई घायल। घटना नगर थाना क्षेत्र के कोल्डीहा की है। रोटरी ग्रेडी द्वारा लगाए जा रहे साप्ताहिक कोविड टीकाकरण केंद्र पर 300 लोगों ने लिया टीका। डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने भी अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे केंद्र पर। और गिरडी शहरी क्षेत्र के मकतपुर में ब्यूटीलैंड नामक ब्यूटी पार्लर का हुआ शुभारंभ। पूर्व विधायक निर्भय सहवादी ने किया फीता काटकर उद्घाटन। माल्टा क्षेत्र के नीमाडी पंचायत अंतर्गत चरकी कुंडा के पास नहाने गए 15 वर्षीय उत्तम तिवारी का शव मिलने से गांव में मातम पसर गया। वहीं परिजनों ने इस घटना को लेकर हत्या का आरोप लगाया है। घटना के बाबत बताया गया कि उत्तम चार लड़कों के साथ घर से सुबह 9:30 बजे के करीब निकला था। करीब 3 बजे परिजनों को उत्तम तिवारी के कुंड में डूब जाने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। कुंड में शव काफी तलाश किया गया लेकिन शव नहीं मिला। उसी दौरान कुछ लोगों की नजर झाड़ी पे पड़े उत्तम के शव पर पड़ी। बारीकी से देखा गया तो उसके शरीर पर जख्म और चोट के निशान मिले, जिसको लेकर परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। तीसरी की बहुचर्चित हत्याकांड की घटना को लेकर रविवार को जमुई के डीएसपी प्रशांत कुमार, प्रशिक्षु डीएसपी आदित्य कुमार, एएसआई नागेंद्र कुमार, एके आजाद की एक टीम ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर घटना व पीर बाबा से कैसे संपर्क हुई की जानकारी ली। इससे पूर्व तीसरी थाना पहुंचकर थाना प्रभारी से भी इस मामले में जानकारी ली गई। मृतक चंदन की पत्नी प्रिया ने बताया कि 3 साल पहले तबियत खराब होने की स्थिति में जमुई के सोनू में पीर बाबा उर्फ प्रभाकर मंडल से मिलने पति के साथ गई थी। उस समय उसने सोने की एक मूर्ति बंद बर्तन में घर में रखने को कहा था, साथ ही पैसा डबल करने का भी लालच दिया था। बताया कि पीर बाबा एक कमरे में 2000 की गड्डी का बिछावन उसके पति और देवर को दिखाया था, जिसको देखकर दोनों उसके चंगुल में आ गए। जाना आने लगे, दो तीन लोग से शायद पूछवाए कि इतना लोगों का करके दिया हूँ करके। तो ओकरा बाद ये 3 महीना का बात था कि हम मना भी किए क्योंकि हम खुद मुंबई से रहने वाले, हमें खुद ही ये सब करो नहीं है, तो हम मना भी किए। तो बोलता रहे ज्यादा टाइम नहीं है, 3 महीना का है समय, 3 महीने के बाद सब ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं है। फिर भी कितना मना किया, पति नहीं मानते तो क्या करते। अच्छा, जाते कहाँ थे पीर बाबा के पास? सोनो में हमेशा यहाँ पे थे, जितना दिन भी जितना महीना में मंडल करके कुछ ऐसा है सिलसिला जारी हो गया, यहाँ पैसा देना। इधर जमुई जिला के डीएसपी पी प्रशांत कुमार ने बताया कि एसआईटी टीम का गठन हो गया है, 2 लोगों को जेल भेजा गया है। दोनों भाई की हत्या कैसे हुई जांच कर इस मामले का खुलासा किया जाएगा। डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया कहां पहुंची है सर? डीएनए टेस्ट परसों चला गया और हमको लगता है अगले 15 दिन में आएगा, क्योंकि वो प्रक्रिया है, हम लोग तो करते नहीं है, तो जितना जल्दी हम लोग करवाने का प्रयास करेंगे, उनका डीएनए टेस्ट हो, उनकी पहचान पहले तो पहचान का है। ठीक है।
तीसरी के दो भाई अंशु व चंद्र बंडवाल की हत्या को लेकर तीसरी बंडवाल धर्मशाला में झारखंड व बिहार सीमा के जिला व कई प्रखंड से बंडवाल समाज के प्रमुख प्रबुद्ध लोग बैठक कर शोक सभा का आयोजन किया। बंडवाल समाज बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष ओमकार बंडवाल, गिरिडीह जिला अध्यक्ष लखन बंडवाल ने कहा कि गिरिडीह और जमुई जिला प्रशासन के साथ साथ झारखंड सरकार से समाज मांग करती है कि सबसे पहले उनके अधिकारियों पर कार्रवाई करे जिन्होंने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जिससे अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। बैठक में मुख्य आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाने व पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा और नौकरी देने की मांग की है। मौके पर आदित्य बर्णवाल, निशांत बर्णवाल, दुर्गा प्रसाद, संदीप बर्णवाल, विकास बर्णवाल, मोहन बर्णवाल, लक्ष्मण मोदी समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। पूरे गिरिडीह जिला बर्णवाल समाज सहित झारखंड और बिहार प्रदेश के बर्णवाल समाज के लोग इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। प्रशासन की निष्क्रियता देखने को मिली है। अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुख्य हत्यारों तक प्रशासन की पहुंच नहीं बन पाई है। इस नाते बर्णवाल समाज आक्रोशित है और हम झारखंड और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार जिनके घर से दो दो जवानों की हत्या हुई है, चंदन और अंशु बर्णवाल की हत्या हुई है, एक शादीशुदा है, जो शादीशुदा है उसकी विधवा को अविलंब सरकारी नौकरी मिले, उसके माता पिता जो बुजुर्ग हैं उनके पिताजी विकलांग हैं, उनके जीने का आगे उनकी जीविका का उपार्जन कैसे हो, चूँकि वे दोनों कमाऊ सदस्य थे परिवार के, उनकी सरकार जवाबदेही ले और दोनों भाइयों के निर्मम हत्या के बदले में 50-50 लाख रुपया का मुआवजा सरकार दे। अगर ऐसा नहीं होता है तो बर्णवाल समाज सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। कि जिस तरह का निर्मम हत्या हुआ और अपहरण के बाद जो सूचना थाना प्रशासन को दी गई, एसपी को दी गई, जिला जमुई में हमारे जो खेरा थाना उनको दिया गया और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारा पहला डिमांड है वैसे थाना प्रभारियों पर कार्रवाई हो। दूसरा चीज, हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं इस हत्या का फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर हत्यारों का गिरफ्तारी करते हुए अविलंब फांसी की सजा उसको हो, हम इसकी पहले प्रशासन से मांग करते हैं। उनके आश्रितों को सरकार हुआ तो हम कल चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे जब तक हमारी मांगे। बंडवार समाज की बंधु जो निर्मम हत्या हुई है, विभिन्न दलों की लगी हुई है। आज बंडवार समाज भी गिरफ्तारी की मांग किया जा रहा है, अंशु बंडवार और चंदन बंडवाल की। तीसरी से लाइव समय से रंजन कुमार। नगर थाना क्षेत्र के कोल्डीहा में रविवार को पानी कनेक्शन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की इस घटना में दोनों ओर से कई लोग घायल हो गए। घायलों में कई महिलाएं भी शामिल हैं। दोनों पक्षों की ओर से नगर थाना में आवेदन दिया गया है। मारपीट की सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी सदल बल घटना स्थल पर पहुंचे और तहकीकात शुरू कर दी। घटना के संबंध में एक पक्ष की महिला यास्वी परवीन सोफिया नाज ने बताया कि उनकी जमीन पर से मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद सब्बीर, मोहम्मद मिसीर, मोहम्मद सागीर, मोहम्मद सद्दाम पानी का पाइप बिछा कर ले जा रहे थे। जब उसे मना किया गया तो वे लोग मारपीट करने लगे और घर में पथराव भी किया गया। मारपीट की इस घटना में उनके परिवार के कई लोग घायल हो गए। जमीन हम लोग कहाँ पे? वही कोल्डी, हम लोग बगल में, गेट के बगल में। तो वहाँ पर हम लोग पाइप ले जा रहा था, लोग बोले कि हम यहाँ से नहीं ले जाएंगे। बाद में फिर पता चला तो नहीं हुआ, इसलिए बाबू घर साइड से ले जाओ, क्योंकि मैं इन लोग प्लानिंग बना के घर घुस के हम लोग को मारा है। हम लोग बहुत सब घर में घर में घुस के पत्थर ईटा सब चला है और पूरा देखिए कपड़ा पर सब फाड़ उड़ दिया है। रातें रात पैर पैर मारा है पूरा। कहना हम देखेंगे क्या करिएगा, तो मर्डर होगा देखेंगे। तो हम लोग सीधा साधा आदमी है, वो है बेटी और हम लोग ऐसा कर रहा है। बोलिए घर में छोटे छोटे बच्चे लोग घायल हो गया और पटक पटक के मारा है हमको।
प्रबल अभी सुनने के आ रहे हैं सदस्य, वहाँ का मतलब खुदाई कर रहे थे तो उसमें पानी ले जाना चाहते थे, तो वही मेरा सपोर्ट सब देवर सब बोले कि ना कि हम लोग का जमीन है इसमें नहीं ले जा सकते हैं, तो इतना ही हुआ पूरा मारने लगा। हम लोग गेट भी बंद किए, गेट तोड़ फोड़ के अंदर आ गए, सबको मारने लगे, पूरा घर में पत्थर एकदम पड़ा हुआ है पूरा। इस बाबत दूसरे पक्ष के लोगों ने बताया कि जिस जमीन से पाइप दिखाया जा रहा था वह जमीन उनकी नहीं है। पाइप बिछाने के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने अचानक मारपीट करने लगे, साथ ही साथ पथराव भी किया गया, इस वजह से कई लोग घायल हो गए। शमशेर भैया जो है वो कनेक्शन लेने चाह रहे थे, समझे ना, तो वहाँ पास बगल में कनेक्शन लिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, हम लोग 6 मजदूर थे, 6 मजदूर हम लोग काम लगाए हैं। तो उसके बाद बगल वाला जो घर था उसका माल निकली, बोले यहाँ कह के लिए कौन रहा मेरा दुवारी पास, तो बोले हम लोग को मालूम नहीं है, अब जिसे हम लोग काम किए मालिक से बात कीजिए डायरेक्टली। तो किनका है कनेक्शन, किनका हो गया था? शमशेर भी आया, समझे ना, तो उनका बेटा डायरेक्टली निकला वीडियो बनाने के लिए लगा, बोला ये काम बंद करो, काम बंद कर दिए हैं। उसका बाद डायरेक्टली उनका बेटा मेरा भाई पर डायरेक्टली हमला कर दिया, हमला करने के बाद डायरेक्टली उन लोग सब दोनों तीनों भाई मिल के मारने लगा था, उतने ही में लगा था, मैं हमको भी लगा है और भी लगा है। उसका घर से जितना लेडीज और जेंट्स अंदर घुस के ताला बंद कर लिया है और पथराव करने लगा, अचानक ही एक बैग अचानक करने में 3-4 आदमी घायल भी हो गए, समझे, और बाकी बात पूरा मोहल्ला अगल बगल जिसने भी देखा है आप सबके इसमें ले सकते हैं। बहरहाल सच्चाई क्या है ये तो जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा, फिलहाल नगर थाना पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। रोटरी ग्रेडी नेत्र चिकित्सालय में रविवार को लगे साप्ताहिक कोविड टीकाकरण कैंप में 300 लोगों का टीकाकरण किया गया। विगत 2 माह से रोटरी ग्रेडी टीकाकरण का कार्य निरंतर करती आ रही है। आज यहां कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन दोनों की डोज सभी आयु वर्ग के लिए उपलब्ध थी। ऑनलाइन पंजीकरण के साथ साथ स्थानीय पंजीकरण की भी व्यवस्था उपलब्ध थी। औद्योगिक क्षेत्र के स्टील के बादशाह कहे जाने वाले डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने भी अपनी धर्मपत्नी के साथ रोटरी आई हॉस्पिटल पहुंचकर कोविशील्ड वैक्सीन का दूसरा डोज लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में रोटरी अध्यक्ष संतोष अग्रवाल, सचिव अभिषेक जैन, संयोजक विकास बगेड़िया, विजय सिंह, नरेंद्र सिंह, अशोक अग्रवाल, सारंग केडिया, अमित गुप्ता आदि की अहम भूमिका रही। हाँ, ये हॉस्पिटल में हर हफ्ते के भांति अगली रविवार के भांति अगर हमारा आज भी वैक्सीनेशन हमारा काफ़ी सफलतापूर्वक चल रहा है, जिसके अंदर में हमारा आज 300 से ज़्यादा वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुका है, जिसके अंदर में ऑनलाइन और स्पॉट दोनों की सुविधा है, 18 साल के कोई भी उम्र के ऊपर के सबके लिए है अवेलेबल, और हमारे यहाँ आज कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही का डोज दिया गया है, जिसमें 150-160 के आसपास कोवैक्सीन और 140 कोविशील्ड का डोज दिया गया है। यहाँ ये हमारा रोटरी आई हॉस्पिटल और रोटरी क्लब के तरफ से ये हम लोग की मानता है कि हमारे पूरे शहर के लिए ये हर रविवार ये कंटिन्यू चलता रहेगा, और इससे जितना भी शहरवासियों को जितना फायदा हो सके वो हम लोग कोशिश करेंगे मिलते रहते। सजने संवरने के शौकीन महिलाओं के लिए खुशखबरी है, गिरिडीह शहरी क्षेत्र के मकतपुर पंच मंदिर गली में ब्यूटी लैंड नामक ब्यूटी पार्लर का शुभारंभ किया गया। रविवार को पार्लर का उद्घाटन गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार सहबादी व संचालक नीलम कुमारी के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर व नारियल तोड़कर किया गया।
मौके पर पूर्व विधायक निर्मल सहवादी ने संचालिका को शुभकामना देते हुए कहा कि इस मॉडर्न युग में इस गली और इसके आसपास के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी, जहां पर महिलाओं के लिए पार्लर संबंधी सभी आधुनिक व्यवस्था किया गया है। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मैं आ रहे जिले में एक सुंदर प्रशासन और साथी बुद्धि पार्लर का शुभारंभ है जो हुआ है गली में है, और मैंने पाया है कि इसके जो पिटिशन है उनकी काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग है। मैं यहाँ पर भी पहले से उनका स्थान चलता था, आज गली में सभी सौभाग्यशाली है कि ऐसा स्थान का शुभारंभ हुआ है। और मुझे उम्मीद है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस सैलून को, ब्यूटी पार्लर को लोग पसंद करेंगे। आजकल आधुनिक युग में लोग सजना संवरना चाहते हैं और साथ ही अपने शारीरिक रख रखाव को पूरी तरह से जागरूक करते हैं, जागरूक रख के कराते हैं। ऐसे में ऐसा पार्लर का बहुत अच्छी बात है और हमारे घनी आबादी हमारे मोहल्ले की और उस मोहल्ले के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, यही उम्मीद है और विश्वास है। इनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पार्लर संचालिका नीलम कुमारी ने बताया कि इसका एक ब्रांच गया में भी है और यहाँ पर एक ब्रांच खोला गया है जिसमें महिलाओं के लिए सर्टिफाइड हबीब कटिंग, सर्टिफाइड शहनाज फेसियल उपलब्ध होगा। इसके अलावे फेसियल, मैनीक्योर, पेडिक्योर, हेयर कटिंग, आईब्रो सहित कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मंदिर गली में आज मैंने अपना ब्यूटी पार्लर ब्यूटी लैंड का उद्घाटन किया हूँ और हमारे पूर्व विधायक निर्मल सहवादी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। यहाँ सभी के जैसे फेसियल, सारा कुछ किया जाएगा और हम आप लोग से अनुरोध करते हैं, आप लोग हमारे यहाँ अवश्य आए और हमें सेवा का मौका दे। इस उद्घाटन के मौके पर सूरज गुप्ता, ममता देवी, नेहा कुमारी, खुशबू गुप्ता, प्रीति गुप्ता तथा आसपास की महिलाएं मौजूद थी। बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और बधाई देती हूँ कि उसकी पार्लर बहुत तरक्की करे, बहुत दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की करे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा और गिरिडीह के डीलर संघ के साथ रविवार को एक वर्चुअल संवाद किया जिसमें कोडरमा और गिरिडीह के डीलरों ने भाग लिया। इस दौरान डीलर संघ के सदस्यों ने सांसद को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। सांसद अन्नपूर्णा देवी ने केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से बात कर समस्याओं से अवगत कराने की बात कही। इस वर्चुअल संवाद में राजेश कुमार बंसल, भगवान दास, सूरज गुप्ता आदि कई लोग शामिल हुए। भारत सरकार की मंत्री माननीय अन्नपूर्णा देवी, शिक्षा राज्य मंत्री व भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा माननीय अन्नपूर्णा देवी, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन कोडरमा और गिरिडीह के पदाधिकारियों और विक्रेताओं के साथ वर्चुअल संवाद किया। संवाद के क्रम में डीलर ने अपनी समस्या उनके सामने रखी और उन्होंने काफी तन्मयता से हमारी समस्या सुनी और हमें आश्वासन दिया कि उस समस्या पर विचार किया जाएगा। इसके लिए मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मंत्री माननीय पशुपति नाथ पारस जी से मिलकर आपकी समस्या को रखूंगी और उसका निदान के प्रयास करूंगी। इसके लिए समूचे झारखंड के 26,000 जनवितरण विक्रेता उनको धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह वो हमारी समस्या पर ध्यान देगी। बीते 23 जुलाई को इस्त्री बाजार के अर्घा घाट एवं स्टेशन रोड के पास एक 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन तार टूटकर
440 वोल्ट की तार पर गिर जाने से शॉर्ट सर्किट होने पर दर्जनों घर और दुकान में लगे विद्युत उपकरण जल गए। उपभोक्ताओं को हुए नुकसान की भरपाई स्वयं करनी पड़ रही है। रविवार को भाजपा नेता व पूर्व जीप सदस्य प्रशांत जायसवाल ने पीड़ित लोगों से मुलाकात कर नुकसान की जानकारी ली। उन्होंने विभाग की लापरवाही पर बरसते हुए कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही से लोगों का नुकसान हुआ है, बावजूद इसके विभागीय अधिकारी अब तक कोई सुध नहीं लिए हैं। कहा कि कईयों के घरों के बिजली मीटर तक जल गए हैं, जिसको लेकर भी विभाग कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। 11,000 का तार सप्लाई लाइन के तार में गिर जाने से पूरा हमारे घर में जो है 11,000 का करंट प्रभावित हो गया, इससे इलेक्ट्रॉनिक आइटम को नुकसान हुआ। आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव व राय सकते हैं। साथ ही नए खबरों को जानने के लिए आप न्यूज़लाइन की वेबसाइट, फेसबुक, पोर्टल, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।